भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। बुधवार रात वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी के दौरे का आज पहला दिन है। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और महत्वपूर्ण वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका की एक निजी साइबर कंपनी ने चीन पर भारत के मीडिया कंपनी और पुलिस पर साइबर अटैक का दावा किया है। अमेरिकी कंपनी ने बुधवार को दावा किया है कि ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि राज्य प्रायोजित चीनी समूह ने एक भारतीय मीडिया समूह के साथ साथ पुलिस विभाग और राष्ट्रीय पहचान संबंधित आंकड़ों के लिए जिम्मेदार एजेंसी को हैक कर लिया था। 3 दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार को वॉशिंगटन डीसी में हवाई अड्डे के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के 100 से अधिक सदस्य ज्वाइंट बेस इंटरव्यूज पर इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे भारतीय अमेरिकी इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगाते रहे। अमेरिका में कोविड-19 महामारी की शुरुआत में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हुए 150 मरीजों में एक के अध्ययन में यह पाया गया है कि 73% मरीजों को डिलीरियम नामक बीमारी थी। डिलीरियम चित्त विद्रम की एक गंभीर स्थिति है जिसमें दिमाग के ठीक तरह से काम न करने के कारण व्यक्ति भ्रम उत्तेजना में रहता है और स्पष्ट रूप से सोच समझ नहीं पाता। वायु प्रदूषण की मुश्किलों का सामना देश के कई राज्य कर रहे हैं। आंकड़ों में देखा जाए तो राजधानी दिल्ली इससे खासी प्रभावित है। वहीं अब जब दिवाली नजदीक है तो रहवासियों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने स्मॉग टावर जैसे कई उपाय किए हैं, लेकिन इसके परिणाम मिलने के कुछ समय लगेगा भी। राजधानी दिल्ली के रेलवे पटरियों को पार करते वक्त होने वाली घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 15 सितंबर तक 358 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अधिकांश पुरुष हैं। वहीं सबसे अधिक 78 मौत दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में रेल पटरियों को पार करते समय हुई है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस के सामने असली चुनौती पटरी पार करते समय जान गंवाने वालों की पहचान करना है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस साल जमकर बारिश हुई, वहीं अभी कुछ और दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शुक्रवार को ग्रीन तो शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वह अपने फैंस को अपनी रूटीन और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अपडेट देती रहती है और अक्सर अपने वर्कआउट सेशन की झलक भी शेयर करती है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह वर्कआउट करते हुए नजर आ रही हैं। वह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गणपत के लिए खूब मेहनत कर रही हैं और काफी बिजी हैं। आईपीएल 2021 में शिखर धवन की बादशाहत एक बार फिर कायम हो गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 52 रनों की पारी खेल दिल्ली कैपिटल्स के लिए जीत का आधार रखने वाले शिखर धवन ने फिर से ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है। धवन ने पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल को पीछे छोड़ा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना वायदा 0.6% गिरकर 46,367 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी गुरुवार को भारी गिरावट देखी गई है, जो हाल में महीनों में सबसे अधिक है। चांदी की दरें 1% गिर गई हैं। बता दें कि पिछले सत्र में सोना सपाट बंद हुआ था, जबकि चांदी में 1.2% की तेजी आई थी। सराफा पूरे हफ्ते रेड जोन में कारोबार कर रहा है। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए